मऊ जनपद समेत पूर्वांचल के युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आ चुका है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मऊ क्रिकेट संघ द्वारा एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं और खासकर जो युवा खिलाड़ी हैं जिनको प्रदेश स्तर पे मौका मिलना चाहिए, उनको तराशने का एक बकायदा सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। हमारे साथ क्रिकेट मऊ क्रिकेट संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय सर बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये जो पूरा मुहिम चल रहा है, किस तरीके से तराशने का जो क्रिकेट युवा क्रिकेट खिलाड़ी उनको तराशने का किस तरीके का ये मुहिम है, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से चलाया जा रहा है और कैसे युवाओं को मौका मिलेगा। तो स्वागत है आपका सबसे पहले। जी नमस्कार, धन्यवाद अमित। देखिए, जो हम लोग हमेशा शुरू से जब से मऊ क्रिकेट संघ का हम लोग को जिम्मेदारी मिली है, हमारे संरक्षक हैं जो गाजीपुर मंडल के श्री संजीव कुमार सिंह, जो कि एपेक्स काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो पूर्वांचल के क्रिकेट में बच्चों का देखेंगे आप, प्रतिशत जब देखेंगे उत्तर प्रदेश जो क्रिकेट की टीम है तो उसमें पूर्वांचल के बच्चों का जो पार्टिसिपेशन उतना नहीं होता है, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा की कैसे इसको बढ़ाया जाए। और हमेशा से उनका बीसीसीआई भी चाहती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की और इधर के लोग हैं, तो इधर के बच्चे क्यों नहीं आगे आते, टैलेंटेड हैं जबकि बच्चे, लेकिन कुछ दो तीन जानकारी के ना होने की वजह से या सुविधाओं के अभाव की वजह से हो सकता है बच्चे ना आते हों। तो उसके लिए जो पूर्वांचल में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो 24-25 का ट्रायल था, वो ट्रायल का डेट अभी बढ़ाई गई है, क्योंकि देखा गया कि पूर्वांचल के अभी बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था उतना नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसको बैठ के उन्होंने हमको निर्देशित किया कि आप इसको 24 तक करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो स्कूल में जो बाहर पढ़ने गए होंगे होली की छुट्टी में आएंगे और दे सकते हैं। और अब ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जा रहा है ट्रायल का, तो आप ट्रायल फॉर्म भरिए और जो अच्छे खिलाड़ी होंगे उनको हम लोग गारंटी देते हैं कि उनका चयन किया जाएगा। और पूरा बीसीसीआई से लेके उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एकदम कटिबद्ध है कि जो अच्छे खिलाड़ियों को उसमें पूरा मौका दिया जाए। जो गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, जिसे गली क्रिकेट कहते हैं, या जो छोटे मोटे ग्राउंड में जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको अब स्टेट लेवल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपको। जी जी, वो बहुत हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के आस पास के बच्चे जाए, और मुझे भी गौरवान्वित महसूस होगा जब कोई ऐसा बच्चा होगा मऊ से खेलेगा और कहेगा कि नहीं सर आपके यहाँ फॉर्म भरा था, आपने बताया था और मैं आगे गया, तो मुझे भी गौरव महसूस होगा। तो क्या ये बच्चे आईपीएल या रणजी ट्रॉफी या स्टेट लेवल? जरूर जरूर, ये देखिए अभी जो यूपी में आईपीएल हुआ है उसमें कई गाजीपुर का एक लड़का गया था, कानपुर से भी कई लड़के खेले, तो हम लोग चाहते हैं कि मऊ का भी लड़का जाए, आजमगढ़ का लड़का जाए, बलिया का लड़का जाए, गाजीपुर का जाए, क्योंकि पूर्वांचल को आगे बढ़ाने काम है। और आईपीएल में आप जानते हैं कि आजकल क्रिकेट में पैसे की कमी नहीं है, पैसा भी क्रिकेट में आ गया, तो जो अगर टैलेंटेड बच्चा होगा उसको पूरी सुविधा मिल जाएगी। और ट्रायल के भी हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है, जो हमारे क्रिकेट के हमारे बीसीसीआई के राजीव शुक्ला जी हैं, जो जय शाह जी हैं, वो लोग पूरा इस पे फोकस किए हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको भेजा जाए और कोई टैलेंटेड बच्चा छूट ना जाए, और कोई ये ना कहे कि नहीं मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, अगर कोई भेदभाव किया जाए, भेदभाव किया ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी से होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, अगर मेरे नीचे ऑफिस भी है, सरदारन हॉस्पिटल के नीचे एक ऑफिस इसमें बना हुआ है जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ, आपको अगर फॉर्म भरने में दिक्कत है तो फॉर्म भरा जाएगा और 400 रुपये उसकी फीस है जो आपको जमा करनी है, जो कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाएगी, और आप ट्रायल दें, और ट्रायल में अगर आपके पास टैलेंट है, लेकिन देखिए आपको आगे बढ़ना है तो ट्रायल देना पड़ेगा, बिना ट्रायल के। और देखिए तमाम इधर उधर के आप कितना भी अच्छा खेलते हो, जब तक आप सही प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँचेंगे जहाँ के लोग आपके सेलेक्टर बैठे हुए हैं, तो वो सही प्लेटफॉर्म यही है कि आप ट्रायल दे के जाएँ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उसके कानपुर है नोएडा में जहाँ ट्रायल लेता है, आपके पास टैलेंट होगा, आप परफॉर्म करेंगे, अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगी। अंतिम तिथि कब तक, मौका कब तक है? 24 मार्च तक उसको बढ़ाया गया है। और ये ट्रायल कहाँ पे होगा? ये जैसे ये आपको सूचित किया जाएगा हर वर्ग का, इसमें हर वर्ग का अलग, और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि मऊ में बालिकाएँ भी बहुत अच्छा खेलती हैं, लड़कियाँ जाएँ, लड़कियों का भी एक सुनहरा अवसर है, जो बच्चियाँ खेलती हैं बहुत ही गरीब घर के बच्चियाँ खेलती हैं, लेकिन एक बार अगर आगे चली जाएंगी उसको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और बहुत से उनको सुविधाएँ, नौकरी में भी सुविधाएँ, रेलवे देती है नौकरी, एयर इंडिया देती है बहुत सुविधाएँ। तो हम बस ये आपके माध्यम से ये अनुरोध करते हैं बच्चों को कि अधिक से अधिक, पेरेंट्स को भी कहते हैं कि अधिक से अधिक वो आएँ, ट्रायल में पार्टिसिपेट करें, फॉर्म भरें, फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि अगर फॉर्म भरा रहेगा तभी आप ट्रायल दे सकते हैं। तो जैसा हमें मऊ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने बताया कि
मऊ समेत पूर्वांचल को आगे बढ़ाने के लिए, यानी जो युवा लड़के लड़कियां हैं उनको बेहतर तरीके से आगे उनको प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी यहां पर चल रही है, और मऊ क्रिकेट संघ के साथ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी इसमें पूरी तन मन धन के साथ इसमें लगा हुआ है। और डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि अगर कोई गरीब या फिर इस तरीके का कोई अगर खिलाड़ी है जिसके पास हुनर है लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसकी पूरी सहायता की जाएगी यहाँ पर। और शारदा नारायण हॉस्पिटल के नीचे जो सभागार के पास जो आएगा यहाँ पर जो भी चीजें हैं यहाँ ऑफिस के बारे में पता चल जाएगी, क्या प्रोसीजर है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से उसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और कोई भी अगर तकलीफ होती है तो यहाँ उसकी पूरी मदद की जाएगी। तो ऐसे में मऊ समेत पूर्वांचल के जो युवा लड़के लड़की हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जो गली में क्रिकेट खेलते हैं, जो कहीं भी एक अपना स्थान बना के रखे हुए हैं, उनको ये बेहतर और शानदार मौका उनके लिए है, वो आ सकते हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर उनके पास हुनर है तो उनको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पूरा मौका देगा, वो आने वाले IPL या फिर भविष्य में होने वाले जो भी मैच है, रणजी ट्रॉफी है और जो भी तमाम क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो भी संचालित किया जाता है क्रिकेट के जो मैचेस कराए जाते हैं उसमें बाकायदा उनको मौका मिलेगा और शानदार तरीके से अपनी प्रतिभा को दिखा सकेंगे। तो मैं एक और चीज़ में जानना चाहूँगा कि जो लड़के लड़कियाँ हैं, जो युवा क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको 2024-25 के बाद, यानी 2024-25 में अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको कितने दिनों बाद फिर बड़े ट्रायल, जैसे ट्रायल शुरू होगा, पहले मंडली लेवल पर ट्रायल होता है, फिर जोन लेवल पर आपको जाना होता है, फिर स्टेट में आपका सिलेक्शन होता है। तो आप पहले आप जैसे फॉर्म भरेंगे, फिर मंडल की टीम बनेगी, मंडल की टीम आपस में जो आपको स्थान बता दिया जाता है कि आपके गोरखपुर मंडल का मैच कहाँ होगा, इलाहाबाद मंडल का, तो सारे मंडली मैचों के बाद आपको जोन बांट दिया जाता है कि यूपी को 4 जोन में बांटा गया, फिर जोन के खिलाड़ी खेलते हैं, फिर जो जोन के खिलाड़ी जो आपस में खेल के जो टीम तैयार होती है तब जाके वो प्रॉब्लम सी टीम होती है कि उत्तर प्रदेश की हर ग्रुप में U16 की, U14 की, U19 की वो टीम तैयार होती है। तो बालिकाओं से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि बालिकाएं भी अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बालिकाओं का भी देख रहे हैं अभी IPL चल रहा है, लड़कियों का चल रहा है, और जो टैलेंटेड लड़कियाँ होंगी वो उनको अच्छा मौका मिलेगा। तो इनको बड़ी ट्रांसपेरेंसी से, और सारा जो आजकल क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ऑनलाइन सब व्यवस्था करता है, इसमें आप मैच स्कोर भी देख सकते हैं किसने कौन परफॉर्म किया, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ट्रायल होगा, इसी के लिए पहली बार ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ये पहली बार ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी के लिए सबको पता होगा, और यहाँ से लेके अब पूरे BCCI तक आपका क्या डाटा, आपका ID होनी चाहिए, आपका एज जो होना चाहिए उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आजकल देखो एज के भी लिए बहुत BCCI सख्त है कि बहुत से लोग एज में कम बेसी करके ऐसा करते हैं, हम लोग कहते नहीं, आप में टैलेंट है आप खेलिए, कहीं भी कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदारी से मेहनत करिए आपको सफलता मिलेगी, ईमानदारी से मेहनत करिए और आपको सफलता मिलेगी। यानी जो क्रिकेट के जो प्रेमी हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं, जो युवा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो साफ तौर पर इस बात को जान लें कि आप जिस क्रिकेटर को TV पे देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, आप भी उस जगह पर जाकर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, आप आइए यहाँ पर, मौके का लाभ उठाइए और अपने प्रतिभा को तराशने का मौका दीजिए क्रिकेट जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है उसको। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शानदार मौका क्रिकेटर्स को दिया है, युवा क्रिकेटर्स को खासकर, हम लोग बहुत जरूरत भी है और आप लोग के माध्यम से हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक बच्चे आएंगे ऑनलाइन, आपके अभी उसमें हम लोग उसको साइट दे देंगे, उस साइट पे मोबाइल से भी खोल के वो कर सकते हैं और फीस उसकी जमा कर सकते हैं। तो सबको बस उसको आपको एक सर्टिफिकेट आपने जो जमा किया उसकी रसीद रखे रहें, जब भी आपको ट्रायल में बुलाया जाएगा तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने क्या कैसे रजिस्ट्रेशन। तो आपके स्क्रीन पर ऑनलाइन साइट और जो कॉन्टैक्ट के लिए इंक्वायरी के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए और जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वारीज हैं, आप यहाँ पर जान सकते हैं। और आपको अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, और आपके माध्यम से हमें उम्मीद है कि काफ़ी युवाओं को फायदा मिलेगा। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।